हेलो गाइस, मैं स्टूलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लेटेस्ट में बताना चाहूँगा, पाई नेटवर्क में अगर लगे हैं तो 100% कुछ अपडेट है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना, पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना। 2-3 अपडेट बताऊँगा जो मस्ट है, और इसलिए मैं कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो कम से कम तुरंत मिल जाए। तो चलिए वो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी इसका डेवलपर है वो साफ बोल रहा है कि पाई एक जो है न्यू मॉडर्न के हिसाब से एक अजूबा बन के आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक बात तो 100% है कि डेवलपर जितने हैं इसमें काम कर रहे हैं, कोई भाई सोया हुआ नहीं है, रात दिन पूरी प्रयास में लगे हैं। एक बात तो 100% है कि मार्केट को देख के और पाई यूजर और मार्केट के एयर ड्रॉप दूसरे यूजर, ये दोनों में देखा जाए तो कुछ यूजर पाई का भड़क जाते हैं, क्योंकि दूसरे पाए फ्री माइनिंग करते हैं ना, वहाँ पे वो फास्टली हो जाता है। जैसे कि बिल ऑफ डेप हो गया, हामस्टर हो गया, एक्स एम्पायर हो गया, ये फास्टली जो है इन्होंने एयर ड्रॉप देने के लिए फैसला किया है। और एक निश्चित टाइम पे एक्यूरेट एकदम टाइम, कोई जो है आगे बढ़ाना नहीं, ये है लिमिट टाइम के अंदर देने के लिए प्रयास किए लोग। मगर इस पाई को आपको पता होगा कि 3 से 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 19 से चालू हुआ, आज जोड़ लीजिए 5 साल लमसम होने वाला है, तो 5 साल हो गया जो फ्री माइनिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 5 साल के अंदर लोगों के अंदर एक बात तो याद मैं दिला दूं कि जो आदमी शुरू से लगे होंगे, कुछ लोग जो है मन से तंग आ गए होंगे, मगर एक बात 100% कहना चाहूँगा कि जब आप शुरू से लगे थे तो पाई का तो कुछ ना कुछ कीमत है भाई, ये बात तो समझने वाली बात है। पाई का मार्केट में मान लीजिए कि 30 से 35 रुपये कीमत है, तो इसी डेट अगर इसी रेट में अगर आपके पास, सीधी सी बात है, अगर 1 लाख पाई होगा तो समझिए कितना का पाई हो गया। और इसलिए मैं कहूँगा कि पाई बेची मत। पाई ने पूरा कंफर्म कर दिया कि हम बिटकॉइन के तरह ही पंपिंग करेंगे, और इसका रीजन है पंप करने का, एक बात समझ लीजिए। इसीलिए जो है डेवलपर कर रहे हैं कि इसका मैं खुद का ब्लॉकचेन पे, जो ब्लॉकचेन इसका है, खुद का ब्लॉकचेन है, इन्होंने जो है टेस्टेड मोड में अभी जो है ओपन माइनेट लॉन्च किया है। और कहीं ना इसका इकोसिस्टम जो है ना 100% लाजवाब है, और इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है घबरा जाते हैं, तंग आ जाते हैं, क्योंकि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बेटर है कि इसमें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो एक बैंक सोचते हैं कि तुरंत सारे चीज़ हो जाएगा, तो भैया ये चीज़ संभव नहीं है। पहले अपने आप को, कंडीशन को सही रूप में लेकर आइए, अपने टीम को सही रूप में लेकर आइए, ताकि आपका भी इनकम ज़्यादा हो सके, अपने टीम का भी इनकम ज़्यादा हो सके। अगर इस पाई में लगे हैं तो सबसे पहले ज़रूरत है माइग्रेट टू मैग्नेट, ये वाला चीज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर KYC सही नहीं करते हैं, मोबाइल वेरीफाई नहीं करते हैं, पासवर्ड, कुछ लोग का जो है येलो दिखाता होगा, पासवर्ड चेंज कीजिए, पासवर्ड चेंज भी नहीं करते हैं तभी भी प्रॉब्लम है। तो इस समस्या का समाधान कब होगा? जब अपने आप को सुधारिएगा, अपने टीम को जागरूक कीजिएगा, अपने टीम से बोलिएगा कि भाई आपको भी ये करना ज़रूरी है, अगर यहाँ लगे हैं तो डेली बाई डेली थोड़ा सा भी समय दे दीजिए। इसका माइनिंग करने में क्या जाता है, सिर्फ एक बार नोटिफिकेशन अपडेट होता है, उस नोटिफिकेशन पे हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, माइनिंग लग जाता है, 24 घंटे के लिए माइनिंग लग जाता है, फिर 24 घंटे के बाद ऑफ हो जाता है, फिर हमको एक बार क्लिक करना है, कोई ज़्यादा टैब भी नहीं करना है, कुछ भी टाइम गंवाना नहीं है। तो भैया ये ठीक है, आके दिन भर टैब करने वाला ठीक है, एक बात सोचिए और समझिए, क्योंकि ये जो बनाने जा रहा है पाई, अपने आप को, मतलब सारे चीज रिक्वायरमेंट जो भी आपका होगा ना, वो अपने ऐप के अंदर डेवलप करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये भी एक इकोसिस्टम जो बन रहा है ना 100% एक लाजवाब। और इसलिए देखिए बहुत लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, रूमर ऐसे निकल के आ रहा है जो न्यूज़, कि इसी दिसंबर के अंदर पाई ओपन माइनेट लॉन्च हो जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में बोले थे, और अभी भी ये सुनने में आ रहा है। तो दिसंबर में कब किस डेट में आएगा ये फाइनली कोई अपडेट नहीं है, बस सिस्टम में डेवलपर है वो लोग काम कर रहे हैं, और इसका जो है ब्लॉकचेन पे कुछ काम चल रहा है।
इतना हम जानते हैं क्योंकि ऑफिशियल जाके आप नोटिफिकेशन को पढ़िए, जानिए, समझिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। बेटर है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करना। अगर स्पाई में लगे हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके इनकम इसमें ज्यादा से ज्यादा कमाइएगा। दूसरी बात लिस्टिंग का, तो भाई तो आपको सुन ही लिए। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर माइनिंग करके ज्यादा से ज्यादा पाई एकत्रित कर लेते हैं, जैसे कि 500, 1000, 2000, 3000 कर लेते हैं, तो 100% यहां से कुछ कमा पाइएगा। क्योंकि लोगों का कहना है कि जब मार्केट में ऑलरेडी पाई क्वाइन मार्केट के पे $53, $54, $55 चल रहा है, तो क्या हमारा उम्मीद नहीं बनता? आखिर ऐसा क्यों लोग कहते हैं, क्यों अनुमान करते हैं? इसका मेन रीजन है कि जो नेक्स्ट जो दूसरा पाई आया था वो तो फेंक निकला, मगर उसका प्राइस हाई रेट में गया था। अब कुछ लोगों ने पैसा कमाया, रातों रात गायब हो गया। और यहाँ पे दूसरी बात है कि पाई का जो लिस्टिंग तो नहीं है, मगर क्वाइन मार्केट के पे जो रेट दिखा रहा है उसके अनुसार से ज्यादा लोगों को उम्मीद लगता है कि यहाँ पे कुछ मिलेगा। और 100% है कि अगर उस पाई पे जो क्वाइन मार्केट के पे दिख रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए ना, अगर थोड़ा भी सिस्टम कर देता है, तो 100% लोगों का लाइफ चेंज हो जाएगा। वो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के पास 100 है, अगर वो 1000 का बिकता है तो आप समझिए कितना का हो गया, और किसी के पास 500 है, अगर 1000 का एक भी बिके तो बुझिए कितना का हो गया। मेरे भाई 100% लाखों करोड़ों का यहाँ पे लोग इनकम कर पाएंगे अगर इनको इन्होंने अपने आप को जिस तरह से बोला है, जिस तरह से कहा है, उस तरह से डेवलप हो जाएगा। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, एक बात 100% ये बात ध्यान में रखिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, मार्केट में भी अपना मतलब हाव भाव और अपना धाक जमाना चाहता है पाई। जैसे कि हम अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वस्तु खरीदते हैं, तो वो हमारा INR में आता है। तो पाई भी चाहता है कि इस तरह से मेरा भी वेबसाइट पे एक ऐसा हो जहाँ पे पाई के माध्यम से ज़्यादा कोई वस्तु हम खरीद सकें। और पाई ऐसा है कि मार्केट में जब वैल्यू बनाने लगेगा तो उससे क्या होगा कि उसका डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो 100% पाई जिस दिन माइनिंग अपना बंद कर देगा तो मार्केट में एक लिमिट हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इस पाई का दाम सिम इतना रफ्तार में बढ़ेगा कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि यहाँ पाई के यूजर बहुत ज्यादा है, मिलियन टू मिलियन में है, 65 मिलियन से भी अबव है, ये बात समझिए। और पाई का जो टारगेट है सारे टारगेट को अचीव कर रहा है, इसलिए ओपन माइनेट लॉन्च होने का पूरी जो है हो सकता है कि जल्द से जल्द लॉन्च करे, क्योंकि मार्केट कंपटीशन में है, कुछ लोग बन आ गए उगता के भाग जाते हैं, तो सिस्टम भी ये बात समझ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द ओपन माइनेट लॉन्च किया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फ्री में जो मिल रहा है वो करने की जरूरत है, KYC करने की जरूरत है, अपने टीम को जागरूक करने की जरूरत है ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा पाई विड्रॉल करने का चांस मिल जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताया, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना। वीडियो लंबा हो गया, माफ़ करना, मगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।